दिनेश जी ललितपुर से स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। जी नमस्कार सर। हकीम साहब सलाम। आदाब, जय हिंद, सलाम, स्वागत। ये कह रहा गया वो आपका गोंद जब 6-7 महीने से खा रहे हम, और फिर हम बस बस मतलब क्या दर्द इतना बढ़ रहा है, साथ में दर्द की गोली भी खा रहा है 1 महीने से। दर्द इतना बढ़ रहा है पिड़ियों में के 1 महीने से हम खड़े नहीं हो पा रहे। बेस्ट बोस का व्हील चेयर का उपयोग कर रहे हैं। अच्छा, और हमने MRI करवाई तो ये बताया है कि डॉक्टर ने कि गर्दन के नेते रीढ़ की हड्डी के पास जो दूरी है उससे खाद काफी नशा दब रही है, उसकी वजह से ये है। अच्छा, वो से क्या कि पैरों में इतना खिंचाव है, इतनी नशे में जब नशे खींचती तो पैर दोनों अकड़ जाती है। ये तो खड़े नहीं हो पा रहे 1 महीना से, व्हील चेयर का उपयोग कर रहे हैं, ना बैठ पा रहे ना खड़े कर पा रहे। हालत ये हो गई, दर्द के मारे दर्द की गोली अलग खा रहे, और कौन सी अब खाना छोड़ नहीं रहा, वो बराबर दोनों टाइम खा रहा है डाल। ठीक है, और देखिए मैं आपकी हालत समझता हूँ। आपके अक्सर बात होती है, और देखिए गर्दन से लेके हिप तक नसें दबी हुई हैं, बाकी सब अच्छी हो गई, बस ये साइटिका वाली नर्व दबी रह गई है, बाकी सब अच्छी हो गई है। अब दो इलाज हैं, या तो सब्र करें और ये खाते रहें, या फिर ऑपरेट करा लें। बस दो इलाज हैं जो आपको आसान लगे। एक और मैंने नुस्खा बताया था, पता नहीं आपने सुना होगा या नहीं, कि ये जो महिलाएं रुपट्टा ओढ़ती ना, ये ऐसे लपेट के और कमर के जो नीचे के 5 डिस्क हैं जहाँ नसें ज़्यादा दबी हुई आई हैं, वहाँ पर वो रख के और सीधा उस पर लेट जाए, ऐसे सीधा, और जितना देर आप लेट सकें, बहुत ज़्यादा नहीं करना। तकलीफ़ होने लगे तो उसे हटाकर फिर थोड़ी देर बाद फिर उसे रख लें, कोई कोई रुपट्टा ऐसे लपेट के ना, नरम सा। हम लोगों में तो वो मलमल का रुपट्टा औरतें ओढ़ती हैं, नरम सा उसको लपेट के वहाँ रख के रीत की हड्डी के नीचे, सबसे नीचे वाले जगह जो जहाँ 5 डिस्क हैं L1 से L5 तक, जो कूल्हे से ऊपर जहाँ शुरू होती है ना डिस्क, वहाँ पर फिर दिन में ऐसा 5 बार करें। आप ये बात मान लें, दवा भी खाएं डॉक्टरों की, दर्द की दवा भी खाएं, गौन सिया भी खाएं। ये गौन सिया से ही हो रहा है, लेकिन वो सीधी तो हो रही है लेकिन वहाँ से निकल नहीं पा रही जहाँ पर वो अटकी हुई हैं। तो ये आप करेंगे तो शायद आप अच्छे हो सके। एक हफ्ता करके देख लीजिए, मैं आपके लिए ख़ास दुआ भी करूँगा कि फ़ायदा भगवान आपको दे दे। बहुत तकलीफ़ है आपको, मुझे मालूम है, लेकिन मेरी पहुंच बस इतनी है कि मैं भगवान से दुआ कर सकूं, या जो दवा मैं जानता हूं वो आप तक मशवरा पहुंचा सकूं। इससे ज़्यादा ताकत मेरी नहीं है।